नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बटर खिचड़ी की रेसिपी बता रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। बिल्कुल नई रेसिपी है, हमारे वीडियो का अंत तक देखना। बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे कि रेस्टोरेंट जैसी बटर खिचड़ी आप इतनी स्वादिष्ट कैसे घर पर बना सकते हो, इसका आसान तरीका बताएंगे। वीडियो को आप देखिए। तो ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी बनाने की रेसिपी, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक प्याज, एक टमाटर, तीन हरी मिर्च लिए हमने, इनको बारीक बारीक चॉप करेंगे हम। ये देखिए राइस लिए हमने बाउल, जो पहले से उबाल के तैयार रखे हुए थे, बासमती राइस लिए हमने। आप भी कौन सी कंपनी के ले सकते हो, थोड़े अच्छे वाले राइस। प्याज को बारीक बारीक चॉप करेंगे। ये देखिए हमने प्याज को बारीक बारीक चॉप किया जा रहा है। हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर को बारीक बारीक चॉप किया है। सभी चीज़ों की हमने अच्छे से तैयारी कर ली है। बटर लिया है, अमूल का बटर लिया है हमने। एक फ्राई पैन लिया है हमने, उसमें आधा चम्मच बटर ऐड करेंगे। तो देखिए आधा चम्मच हम बटर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी राई। राई हम आपको हरी मिर्ची ऐड कर दी है। सभी मसालों को अच्छे से पकाए, प्याज हरी मिर्च सारी चीज़ें अच्छे से ऐड करिए। टमाटर ऐड करेंगे आखिरी में। सभी मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। उबली हुई दाल, जो हमने पहले से ही कुकर में 2 सीटी लगा के दाल उबली और उबाल के रखी हुई थी, हल्दी डाल के। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, कस्तूरी मेथी, किचन किंग, पुष्प का किचन किंग, गरम मसाला एवरेस्ट का। सभी मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है, तेज नहीं। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़े डालेंगे हल्दी पाउडर क्योंकि दाल में भी हमने मिक्स कर रखा है। उबली दाल ऐड करेंगे, तो हमने पहले से उबाल के तैयार रखी हुई थी। सब अच्छे से फ्राई करेंगे मिक्स करके, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए सबको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम, 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी बनेगी आज हमारी। 2 से 3 मिनट अच्छे से उबाल ले लेंगे। मैजिक मसाला ऐड कर देंगे पुष्प का, इससे हमारा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, बटर खिचड़ी में चटपटा। राइस ऐड कर देंगे आखिरी में, राइस ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड करके, जितनी टाइट रखना पतली रखना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसी खाते हो। धनिया ऐड करके सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बटर खिचड़ी की रेसिपी बता रहे हैं आज आपको। देखिए बहुत ही टेस्टी बटर खिचड़ी बन रही है। 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी बटर खिचड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप बटर खिचड़ी बनाइए, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल नई रेसिपी है, घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हो आप, रेस्टोरेंट जैसी बना सकते हो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, रोज़ नए नए वीडियो देखिए। धन्यवाद।